नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। वहीं देहरादून में पशु सखी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में मंत्री रेखा आर्य ने ली खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। अन्योदय और पीएचएच कार्ड धारकों को चीनी नमक पर 50% सब्सिडी और मुफ्त रिफिल सिलेंडर पर हुई चर्चा। हरिद्वार में कॉरिडोर योजना का शुरू होने से पहले विरोध। व्यापारियों ने घंटी बजाकर जताई नाराजगी। योजना वापस लेने की सरकार से मांग। केदारनाथ में एक एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे श्रद्धालुओं को टोकन। जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को सौंपी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र होंगे तैनात। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से होगी शुरू। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर मार्ग में चिकित्सकों की तैनाती की कवायद शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मसूरी में मिलेट्स पर आधारित 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। क्षमता और अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में सीएम धामी संबोधित भी किया। इस गोष्ठी का उद्देश्य प्रदेश में श्री अन्य मोटे अनाज की संभावनाओं और अवसरों को खोजना है। देहरादून में पशुपालन विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार से वित्त घोषित ए हेल्प योजना अंतर्गत पशु सखी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आज जिस ए हेल्प एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एसोसिएशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन योजना का शुभारंभ किया गया है, वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मातृशक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी सौरभ जी ने बताया कि जिन पहले एक बार जो है पूरा ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा और उसके बाद वैसे तो दोनों के सचिव हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, पहले ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा ट्रेनिंग होगी और उसमें से फिर जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको फिर से पशुपालन विभाग के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये योजना वर्तमान में भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में ए हेल्प प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। देहरादून में कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि भारत सरकार से 1 लाख वैक्सीन डोज के लिए राज्य सरकार का अनुरोध है। अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ जल्द पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। वहीं आपको बता दें कि लगभग 28% लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज जल्द लगने शुरू हो जाएंगे अस्पतालों में। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। इसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग भी अस्पतालों में बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी 100% कोरोना वैक्सीनेशन प्रदेश में नहीं हुआ। हालांकि विनीता शाह ने कहा कि हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और जल्द से जल्द अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, साथ ही अस्पतालों में वैक्सीन का डोज लगना भी शुरू हो जाएगा। हम वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। अभी हमारी ये लोगों से अपील है कि मार्केट में भी वैक्सीन अवेलेबल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कृपया वैक्सीन लगवा लें वहाँ पे, और वैक्सीनेशन से उन्हीं का प्रोटेक्शन है तो हम चाहेंगे कि वैक्सीन लगा लें। अभी हम लोगों ने डिमांड है, हमारे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कमी पूरी कर रहे हैं। जैसे कमी पूरी होगी तो हम वृद्ध वैक्सीनेशन का वो लगाएं।
देहरादून उत्तरकाशी जिले स्थित धरासू बैंड के पास 21 अप्रैल तक यातायात बंद रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस दायरे में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली से धरासू के बीच मलबा हटाने का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा को देखते हुए जमा मलबे को हटाने के लिए यातायात बाधित रखने का निर्णय लिया गया। वहीं अति आवश्यक सेवाओं को यातायात की अनुमति रहेगी। उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की। बैठक में अंत्योदय और पीएचएच कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 50% सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने, राशन डीलरों को प्रति कार्ड 1% का लाभांश दिए जाने और मुफ्त 3 रिफिल सिलेंडर विषय पर चर्चा हुई। खाद्य मंत्री ने कहा कि पूर्व के बजट में हम लोगों ने कुछ चीजों का प्रावधान किया था जिसमें नमक और चीनी शामिल थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है, इस बारे में समीक्षा बैठक की गई है। आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूँकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। तो इस बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं और जो हमारे पीएचएच कार्ड धारक हैं उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके। देहरादून में सबसे ज्यादा मामले जमीन फर्जीवाड़े के सामने आ रहे हैं। ऐसे में डीएम सोनिका ने लोगों को जरूरी सलाह दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन जल्द चेकलिस्ट की व्यवस्था विकसित कर रहा है ताकि लोगों को यह पता हो कि जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। डीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि जमीन या मकान क्रय करने से पहले रिकॉर्ड अवश्य जाँच ले, इसके साथ ही MDDA स्वीकृत लेआउट पर ही प्लॉट खरीदे। लैंड रिकॉर्ड्स कृपया करके सब चेक करा दें क्योंकि लैंड रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। प्लॉटिंग में अगर जा रहे हैं तो MDDA अप्रूव्ड प्लॉटिंग में ही जाएं क्योंकि नॉर्मली अदरवाइज जो प्लॉटिंग हो रही है उनका ना लेआउट पास है ना वहाँ का सुविधाएं हैं, तो MDDA अप्रूव्ड लेआउट के बाद ही उस प्लॉटिंग में अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उनको या मकान बनाना है उसके बारे में सोचे। ये 2-3 चीजें हैं और हम भी हमारे यहाँ पे एक चेकलिस्ट डेवलप करने की सोच रहे हैं जिसमें की लोगों को हम अपनी वेबसाइट के द्वारा और आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ भाजपा इसके लिए तैयार है भी या नहीं। बोले ऐसा लगता नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। मीडिया से मुखातिब रावत ने कहा कि जनता केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी महंगाई चरम पर है। भाजपा के ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख का हवाला देते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार गहराई तक जड़े जमाता जा रहा है। एक तरफ अडानी जैसे लोग रातों रात अमीर से अमीर हो रहे हैं तो दूसरी ओर गरीब और गरीब होता जा रहा है। यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों किसी मुख से निकले हुए शब्दों को कहूं तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है, तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है, तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है।
गोरखपुर टाउन हॉल स्थित होटल शिवा के पास देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। होटल के बगल में स्थित एक रेस्टोरेंट में पहले तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटा और फिर आग लग गई। देखते ही देखते आसपास की लकड़ी और फर्नीचर की दुकानें धू धू कर जल गई। सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और पुलिस मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। रुड़की के आईआईटी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पहुंची। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा शोभा राम प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्य शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मेलन में छात्र छात्राओं को संबोधित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ की प्रोफेसर स्मिता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारे ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, उसी सेशन को जो है आज मैंने अटेंड किया। निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ मैं शेयर किया। निश्चित रूप से उनसे संवाद करते हुए इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो जिन संस्थान से पढ़ी हुई है, जिन संस्थान में आज वो यहाँ पर आई हुई है, मैं समझती हूँ कि यह संस्थान उस बालिका या महिला के साथ जुड़ा बहुत गर्व का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम के खिलाफ किया। बता दें कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने और मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम खिलाफ करने पहुंचे तो थे, लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था, जिसके चलते नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गेट पर चढ़कर और धक्का मुक्की कर गेट को खोल दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम के प्रांगण में मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ लगातार नारे प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, उनके आह्वान पर देहरादून महानगर के तमाम वार्डों से कांग्रेस के हमारे साथी देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जो 5 साल से बदहाल ये शहर हो रखा है, शहर खुदा पड़ा है, स्मार्ट सिटी के नाम से लूट हो रही है और सैकड़ों करोड़ रुपयों का घोटाला देहरादून में सीओ स्मार्ट सिटी, जिसके अध्यक्ष नगर निगम के मेयर हैं, उसके द्वारा किया गया। अगर इस घोटाले का खुलासा किया जाए, सीबीआई जांच अगर इसमें कराई जाए, तो ये अडानी से कम बड़ा घोटाला नहीं निकलने वाला। मलिन बस्ती को मालिकाना हक के लिए हमारा क्लियर स्टैंड है, हम उनके साथ हैं और जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा, महानगर कांग्रेस कमेटी कांग्रेस सड़कों पर रहेगी, उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, नगर निगम में जो हमारे डेली बेस के मजदूर है उनको परमानेंट किया जाए। जैसे नए 40 वार्ड जुड़े हैं उसमें वर्कलोड बढ़ गया और नई नियुक्ति करी जाए। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फॉरन लौटेंगे, बने रहे जन टीवी के साथ।
खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड ताकुला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सारकोट में प्रवेशोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्रधानाचार्य सरिता कोल्याल ने दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण और सरस्वती वंदना के साथ किया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति पांडे ने किया। कार्यक्रम में नव प्रवेशित छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहाड़ी संस्कृति सभ्यता पर प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य ने नव प्रवेशित छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बधाई भी दी। कॉर्बेट नगरी रामनगर में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर शासन के जारी निर्देश के अंतर्गत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने रामनगर में पेट्रोल पंप की जांच की शुरू कर दी गई है। पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर पेट्रोल पंपों पर जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधा के तहत शुद्ध पेयजल, शौचालय और हवा के संबंध में लेकर पेट्रोल पंप की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान कुछ पंपों पर अनियमितताएं मिली हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पंपों स्वामी को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो पंप स्वामी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए शासन के निर्देशों के अनुसार हमने ये पेट्रोल पंप की जांच की, जिसमें शुद्ध पेयजल और हवा और टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्थाएं ग्राहक को फ्री में दी जाती हैं वो उनकी चेकिंग की गई है। जिन पेट्रोल पंप में ये सुविधाएं नहीं थी या कमी पाई गई तो उनको नोटिस दिए गए हैं। एक हफ्ते का समय दिया गया है ताकि एक हफ्ते में वो इसमें सुधार लाए। अभी शहर के 8 पेट्रोल पंप किया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में रचनात्मक महिला मंच सल्ट और श्रमयोग समुदाय के अंतर्गत सल्ट विकास खंड के गांव-गांव में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रति ग्रामीणों को जागरूकता किया गया। विकास खंड मुख्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि रचनात्मक महिला मंच सल्ट और श्रमयोग समुदाय ने मौले खाल बाजार में जनगीत गाते हुए विकास खंड मुख्यालय में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नाटक से एक तरफ मनुष्यों के जीवन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ वन्य जीवों के पर भी बात की गई। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष जितने मनुष्य जंगली जानवरों के हमले से मौत के शिकार हुए हैं उससे ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने मांग पत्र पेश किया। उत्तराखंड के रामनगर में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक भड़कने लगे हैं। आक्रोशित अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताबें ना लगाकर प्राइवेट किताब मनमर्जी से बच्चों पर थोप रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। तो वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा किताबों के नाम पर शोषण किया जा रहा है।
साथ ही फीस वृद्धि के साथ ही वार्षिक शुल्क भी अभिभावकों से भारी मात्रा में वसूलने के साथ बच्चों की ड्रेस पर भी कमीशन खोरी की जा रही है। वहीं अभिभावकों ने कहा कि एक तरफ सरकार बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की बात कर रही है, तो वहीं निजी स्कूल संचालक बस्ते का बोझ बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बना रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में जो प्राइवेट स्कूलों में जो एनसीईआरटी की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपए, 400, 500, 600 रुपए है, और चार चार पांच पांच किताबें लगवा रहे हैं और एनसीईआरटी की 2 और 3 किताबें लगा रहे हैं। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि एनसीईआरटी की किताब लगाइए और दूसरी तरफ सरकार इस बात को कह रही है कि हम लोग लगातार जो है बच्चे का बस्ता कम करना चाह रहे हैं, उसके बोझ कम करना चाह रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल है उनकी मनमर्जी चल रही है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो लोग जो है एक बच्चे का जो 1 माह पढ़ने वाला है उस पर बच्चे का बस्ता जो है 10-10 किलो का है। तो ये हमारी आपत्ति है, जो सरकार की गाइडलाइन बनी है उन पर निजी स्कूल जाए, इसलिए हम जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं। ज्ञापन देने आए थे, अपनी समस्याएं बताई है, ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से, और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को, कोई भी जो है एनसीईआरटी से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। और हमने गार्जियन से भी अपील कर दी थी कि यदि एनसीईआरटी के इतर कोई स्कूल दबाव बनाता है किसी रेफरेंस बुक को क्रय कराने का जिसका मूल्य जो है एनसीईआरटी की किताबों से अधिक हो, तो उसको कदापि न खरीदे, और जो है हमारे कार्यालय को शिकायत कर दें मौखिक या लिखित, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पहले न्यूज चैनल को भी मैं बता चुका था कि जरा आप लोग इसको चला दीजिए, और किसी भी दशा में हमारे अभिभावक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, और अभिभावकों से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भी दशा में रेफरेंस बुक को जिसका मूल्य अधिक है कदापि न खरीदें, और कोई इसको दबाव बनाता है तो मेरा पर्सनल नंबर पे भी वो सीधा कॉल कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जनपद के निजी स्कूलों के मनमाने के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूनियन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद में धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधकों ने मनमानी करते हुए महंगी किताबों के साथ ज्यादा फीस वसूली की जा रही है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि निजी स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों को छोड़कर प्राइवेट कोर्स लगाया जा रहा है, उसको तत्काल बंद किया जाए। जिन स्कूलों ने प्राइवेट कोर्स शुरू कर दिया है और बच्चे के अभिभावकों से महंगी किताबें खरीद कर महंगाई मंगाई है, उसे वापस कराया जाए। अधिकारी महोदय के ऑफिस में कार्यालय में हम पहुंचे हैं। दरअसल बात यह है कि जो स्कूलों का व्यवहार है वो इस समय इतना बुरा व्यवहार है, इन्होंने व्यापार बना लिया है, शिक्षा को व्यापार बना लिया है। जो मजदूर के किसान के बच्चे हैं उन्हें अगर वो स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एडमिशन के नाम पर जो है लूट मचाई है। दूसरी बात, एक पर्ची दी जाती है कि ये सामान फला दुकान से मिलना है, वहाँ भी इनकी कमीशन है। अब हम ये नहीं समझ सकते कि इस व्यापार के पीछे हो सकता है शिक्षा विभाग का भी हाथ हो। भाई कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है ये फील्ड में नहीं जा रहे हैं, और इन्होंने बिजनेस की तरह हर गली में दुकान के रूप में स्कूल खुलवाने शुरू कर दिए। वो कैसे खुले, बिना परमिशन कहाँ से मिल रही उन्हें, उनकी अथॉरिटी कहाँ से हो रही है वो नहीं पता। लगभग जिले में 3500 स्कूल के आसपास है प्राइवेट, जिसमें से लगभग 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी कंप्यूटर क्लास नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, कंप्यूटर के टीचर नहीं है, उसके बाद ही बच्चों को जबरदस्ती कंप्यूटर बुक दिलाई जा रही है। लोहाघाट नगर में क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक कराने की मांग पर नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने लोनीवी के अभियंताओं का घेराव किया। उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, शीघ्र क्षतिग्रस्त नालियां ठीक न होने पर आंदोलन और लोनीवी कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में पालिका सभासदों और नगर के जागरूक लोगों ने लोनीवी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर मौके पर अभियंताओं का घेराव किया। लोगों ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में हथरंगिया से SDM कोच और मीना बाजार चौराहा, मीना बाजार से डाक बंगला रोड बाड़ीघाट तक, राय चक्की से शीतला माता मंदिर, मंदिर से कालू सिंह चौराहे तक और खेती खान रोड तक हर जगह नालियां क्षतिग्रस्त हैं, जिससे सड़क पर गंदा पानी आ रहा है। इसके अलावा ऊर्जा निगम कार्यालय के पास सड़क पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल पाया हमें पिरोली में आने के बाद, एक्शन साहब कहीं मीटिंग हो गए हैं ऐसी आए ये बताया इन लोगों ने, और नगर में जितने भी एक्शन आए हैं बार बार हम उनको संज्ञान में लाते रहते हैं, और जो भी प्रबुद्ध जन हैं नगर के और हमारे सभासद हैं बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं
जो नगर की अंतर्गत नालियां हैं पिजोल्डी की सारी क्षतिग्रस्त है। इनमें एक तो हमारे पुराने मित्रों को काफी परेशानियां हो रही है सफाई करने में, और नंबर दो जो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और ट्रैफिक है, छोटे बाइक वाले स्कूटी वाले काफी रिपट रहे हैं। अखिल भारतीय बाल्मीकि नवयुवक संघ ने नगरपालिका के मीट मंडी में बाल्मीकि मंदिर के पीछे बनी मीट की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने 10 दिन के भीतर मीट की दुकान न हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश बाल्मीकि और जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में बाल्मीकि समाज के लोगों ने मंदिर के पीछे की मीट की दुकान को हटाने की मांग को लेकर नगरपालिका में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर मार्ग में चंपावत जिले का एकमात्र लगभग 40 वर्ष पुराना भगवान बाल्मीकि का मंदिर है। मंदिर के पीछे एक समुदाय विशेष के मीट व्यापारी द्वारा दुकान का रास्ता बंद कर दिया तथा उनकी मीट की दुकान मंदिर की दीवार से लगी है, जिससे मंदिर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। बाल्मीकि समाज के लोगों ने मंदिर के समीप बनी दुकान को हटाकर अन्यत्र बनाने की मांग की है। हमारे जो पूर्व से मुझे ये नहीं पता कितने सालों से, बहुत पूर्व से जब हम लोग हुए भी नहीं थे, हमारे दादाजी लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, जब से मंदिर है वहाँ पर। और कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने वहाँ दुकान बनाई है, और दुकान जो उसने बनाई की दुकान बनाई है उसने वहाँ पर, और दुकान बिल्कुल मंदिर से भिड़ा के